मामा डैड छिप छिप कर क्या बातें कर रहे हैं? ओके मैडम, आपको देने होंगे 750 रुपए। ठीक है, देती हूँ। आप माफ कीजिए, मुझे कुछ कहना है। क्या आप ये मैगजीन किसी दूसरे बैग में डाल देंगे प्लीज? इस बैग में खाने पीने की चीजें हैं ना। सॉरी आपको तकलीफ हुई, ये लीजिए आपके पैसे। 1000 में से 750 माइनस किए तो बच गए आपके 250 रुपए, अभी देता हूँ। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उस लड़के ने पैसे ट्रे में डाल दिए। ओह मिसेस नहारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो आज आपकी शुरुआत इस स्टोर से हुई है। आपने ठीक समझा। क्या सुबह सुबह स्टोर जाने में कोई बुराई है? पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या रहा है, मैं किसको बताऊं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इंसान है बात करने के लिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर, मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा ऐसी बात जी है। हाँ। समझ में नहीं आता लेकिन अचानक मुझे अजीब सा क्यों महसूस होने लगा है। जब तक हैरी आते हैं मैं टीवी देखकर इंतजार करती हूँ। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे को कामयाब बनाना तो सुनिए मेरी सलाह। आपको बनकर दिखाना है अच्छी माँ। एक पुराने जमाने की कहावत है, बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आप हमेशा आलस करते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं तो आपका बच्चा भी यूं ही पड़ा रहेगा आप ही की तरह। तो बच्चे की कामयाबी के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। तो अब हम कल मिलेंगे। ये सही कह रही हैं। तुम्हारे डैड आज फिर से लेट हो गए। पर अभी तो इतनी देर नहीं हुई है। अरे टाइम तो देखो, 7 बज चुके हैं। आपके डैड से घर का काम करवाना है क्या? क्या कह रहे हो तुम, मैं कब उनसे काम करवाती हूँ बताओ? मैं तो बस उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लोग मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आपने कुछ कहा मैम? नहीं कुछ नहीं कहा, तुम अपना खाना खत्म करो। हर रोज तो चबा चबा कर आराम से खाने को बोलती हैं, मैम को क्या हुआ? मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। आप थक गए होंगे है ना? आप मेरी एक बात सुनेंगे हैरी? पता है आज स्टोर के सेल्समैन ने क्या किया? अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए मैम। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे के सामने शिकायत करते रहते हैं तो आपका बच्चा भी यकीनन आप ही की तरह करेगा। आप डैड को कुछ बता रही थी ना? नहीं कुछ खास नहीं। तो ये बात है, मैम मुझे पानी चाहिए। तुम खुद जाकर ले लो बेटा। ओके। आपको पता है आज स्टोर में क्या हुआ? अच्छा मैम, क्या मैं जूस ले लूं? हाँ हाँ बेटा ले लो, जाओ। पता है सेल्समैन ने। अच्छा मैम, क्या मैं एक्शन कमिन वाला जूस पी सकता हूँ? हाँ हाँ पी लो, जाओ। तुम कुछ बता रही थी मुझसे? अरे कहाँ गया मेरा एक्शन कमिन वाला जूस? कहाँ गया? पता है आज सुबह स्टोर गई, वहां से मैंने आइसक्रीम ली और एक मैगजीन ली। फिर मैंने सेल्समैन से कहा कि मैगजीन को दूसरे बैग में डाल दे क्योंकि आइसक्रीम से वो गीली हो सकती है। फिर उसने वो मैगजीन दूसरे बैग में डाल दी, दूसरे बैग में डाल दी। वहां से मैंने आइसक्रीम ली और एक मैगजीन ली। फिर मैंने पैसे लिए और उसके बाद उसने मुझे चेंज दिया। मैंने चेंज लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने चेंज ट्रे में डाल दी। मैंने कहा मुझे कुछ बहुत पता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए तो सही। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? माफ करना, एक बार फिर से बता सकती हो? मैं दोबारा नहीं बता सकती। मैम मैम मुझे मिल गया एक्शन कमिन का स्पेशल जूस। चलो अच्छा हुआ बेटा। एक बार चींटी के चप्पल चोरी हो गए, उसका शक हाथी पर हो गया। हाथी ने बहुत सफाई दी लेकिन चींटी मानी नहीं। उसने कहा तुम्हारे चप्पल मुझे कैसे आ सकते हैं? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाथी उसे लेकर अपने घर गया और अपने घर जाकर उसने सारे चप्पल दिखा दिए।
अब हाथी वाले चुटकुले से आप बोर हो गए होंगे, मैं आपको दूसरा सुनाने जा रहा हूँ। ये वाला चुटकुला दादाजी सुनाया करते थे, मेरे ख्याल से दादी जी। तो मैं आपको चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक बार शेर और बंदर में दोस्ती हो गई। शेर ने कहा, मुझे अपने खाने से बोरियत हो गई है, जरा केला तो खिलाओ। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। और उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। शिनचैन कहानी खत्म हो गई। अब एक और कहानी पढ़ के सुनाइए डैड। मैंने कहा ना बहुत रात हो गई, सो जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे एक और कहानी सुनाए। बिल्कुल नहीं। एक और कहानी की तो बात है मित्सी, मगर शिनचैन तुम्हें एक वादा करना होगा कि ये कहानी आज की आखिरी कहानी होगी, ठीक है? ठीक है डैड। ये नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ एक कहानी, उससे ज्यादा नहीं। इस बात से वो राजा बहुत खुश हुआ और उसने सबसे कह दिया कि अरे सुनो मित्सी, सो गई, लगता है कोई जरूरी बात नहीं थी। चलो सुबह बात कर लेंगे मित्सी। वैसे सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो मित्सी मुझे बताना चाहती थी। अगर आपकी जिंदगी में शरारत ना हो तो कुछ कमी है। जिंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए।